आप सभी लोगों को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम उम्र कैसे पता करते हैं, कि हमारी उम्र कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन की हुई है। अगर अपना जन्मतिथि पता हो तो व्यक्ति निकाल सकता है कि वो कितने महीने, कितने वर्ष या कितने दिन का हुआ है। कुल मिलाकर के ये कैसे पता किया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ वर्ष, महीना और दिन दिया हुआ है। वर्ष के नीचे हम लोग वर्ष लिखेंगे, महीना के नीचे महीना लिखेंगे और दिन के नीचे दिन लिखेंगे। तो दिन, महीना और वर्ष इसी क्रम में हम लोग हल करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है जन्म तिथि, यानी कि माना हुआ जन्म तिथि है 6 जुलाई 1985। और आज वर्तमान जो तिथि है 1 जून, जैसे मैं 1 जून को आज ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज का दिनांक डाल दिया हूँ 1 जून 2020। अर्थात अगर आप 1 जून 2020 को आप पता करना चाहते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, यानी आपकी उम्र कितनी है, तो आप पता कर सकते हैं यदि आपका जन्म तिथि पता है। आपको अपनी जन्म तिथि अगर मालूम है तो आप पता कर सकते हैं कि 1 जून 2020 को मैं कितना वर्ष, कितना महीना और कितने दिन का हुआ हूं। तो चलिए सीखते हैं। यहां देखिए वर्तमान तिथि लिखा हुआ है और यहां लिखा है जन्म तिथि। वर्तमान तिथि का मतलब है जिस तिथि को आप ज्ञात करना चाहेंगे वह तिथि आपको यहां लिखना है, और जन्म तिथि का मतलब है जो फिक्स है, जो जन्म का दिनांक है वो आपको नीचे लिखना है। तो आपको क्या करना है, वर्तमान तिथि पर ही ध्यान देना है। जिस तारीख में आप निकालना चाहते हैं वो तारीख आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे उदाहरण में दिया गया है 1 जून 2020, अर्थात 1 जून 2020 को कितने वर्ष के आप हो चुके हैं, कितने महीने और कितने दिन के हुए हैं, ये पता करने के लिए। तो चलिए, यहाँ 2020 है, आज का वर्तमान वर्ष 2020 है, तो 2020 हम यहाँ वर्तमान वर्ष में डाल देंगे। उसके बाद जून है, महीना जून है, और जून आता है छठवां महीना में, यानी छठवां महीना जून होता है। तो यहाँ हो गया हमारा छठवां महीना, छठवां महीना, और 1 जून है, तो आप लिख देंगे दिन के नीचे 1। तो ये देखिए, आपका जिस तारीख में निकालना वो तारीख लिख दिया हूँ मैं। और अब देखिए आपका जन्मदिन यानी जन्मतिथि क्या है, वो है 6/7/1985। ये माना हुआ है, आपका जो भी होगा आप यहाँ नीचे लिख दीजिएगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी का भी अगर जन्मतिथि ये है तो वो कितने वर्ष, महीने, दिन का होगा। तो पहले 1985 दिया है, 1985 हम वर्ष के नीचे लिखेंगे, ये हो गया 1985। और सातवां महीना है, यानी जुलाई की बात हो रही है, तो ये सातवां महीना है। और 6 तारीख है, यानी दिन के नीचे 6 लिखेंगे। उसके बाद इस तरह से खींच देंगे, यानी कि इसको घटाएंगे। आप देखिए, 1 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा ना। तो जब नहीं घटेगा तो आप यहाँ से 1 उधार लेके जाएंगे। तो जब 1 उधार मांगेंगे तो 1 उधार का मतलब 1 महीना मिलेगा, महीना में मिलेगा ना, क्योंकि आप किससे मांग रहे हैं, महीने वाले से। तो जब आप महीने वाले से मांगेंगे, अगर 1 डिजिट मांगते हैं, 1 अगर उधार मांग रहे हैं, तो उस 1 उधार का मतलब होता है 30 दिन, क्योंकि आप किस में हैं, दिन में हैं, और उधार मांग रहे हैं महीने वाले से। तो महीने वाले से अगर उधार मांगेंगे तो अगर 1 अंक देगा तो 30 दिन उसमें आ जाएगा। क्यों, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो 1 अंक इससे उधार लेंगे तो 11 नहीं होगा, 31 होगा। क्यों 31 हो जाएगा, 1 पहले से है, और जब 1 इससे लेंगे तो 1 जो है 30 दिन मिलेगा, और 30 दिन यहां से आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहां से, तो कुल मिला के टोटल 31 हो जाएंगे। 31 में से हम 6 घटा देंगे तो आपके पास हो जाएगा 25। ठीक है ना, समझने वाली बात है ना, कि यहां से हासिल 1 जाएगा, यहां से मतलब उधार 1 जाएगा, लेकिन 30 बन के जाएगा। क्यों, यहां आएगा 30 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि दिन है, ये दिन में हो जाएगा ना, तो 30 बन जाएगा। तो 30 यहां से बन के आएगा और 1 यहां से है, तो 31 हो गया, और 31 में से 6 घट गया, 5 हो गया। अब देखिए यहां पर कितना बचा है,
पांच बचा है क्योंकि एक उसको उधार दे दिया है। अब पांच में से सात घटेगा नहीं घटेगा, तो ये पांच में से सात अगर घटाना है तो आपको यहां से उधार लेना पड़ेगा। जब इससे उधार मांगेंगे ये तो देगा नहीं, यहां से उधार मिलेगा, तो दो वाला इसको उधार देगा और ये वाला इसको उधार देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये वर्ष में है और ये महीना में है। अगर वर्ष वाला एक ही उधार देता है एक, तो महीने के लिए 12 बनेगा। क्यों 12 बनेगा? वर्ष का एक उधार और महीने के लिए 12 महीना हो गया एक उधार। क्यों वर्ष के लिए? वर्ष का एक एक उधार महीने के 12 बनेगा। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो यहां से एक उधार लेंगे तो यहां 12 बन के आएगा, 12 ये और 5 ये, 5 बचा है ना, इधर एक दिए दिए हैं तो 5 बचा है, तो 12 5 17, 17 में से 7 घटा दीजिए तो बचेगा कितना 10, तो ये हो गया आपका 10। ठीक है, अब जब यहां से ये उधार दिया था तो यहां बचा कितना है 9 बचा है, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा। यहाँ कितना बचा है 1 बचा है, तो 1 में से 8 यानी 1 में से 8 नहीं घटेगा, तो 1 में से जब 8 नहीं घटेगा तो फिर इससे हासिल मांगेगा, ये नहीं देगा क्योंकि 0 है, तो यहाँ से हासिल जाएगा, यहाँ से हासिल जाएगा, इसके पास और इसका हासिल जाएगा इसके पास, तो कुल मिलाकर उधार जाएगा। तो यहाँ से उधार गया किसना, ये कितना पाया, यहाँ एक था तो ये हो गया, तो एक लिया तो 11 हो गया, तो 11 में से 8 घटेगा तो 3 बचेगा, और यहाँ बचा है 9, तो 9 में से 9 जाएगा कुछ भी नहीं, और 1 में से 1 जाएगा कुछ भी नहीं, तो ये आपका उम्र निकल के आ गया। अगर आपको उम्र बताना था तो निकालना था तो आप निकाल चुके हैं, 34 वर्ष के हुए हैं आप, तो हो गया 34 वर्ष, 10 महीने के हुए हैं तो 10 महीने, और 25 दिन के हुए हैं तो 25 दिन। अब देखिए उम्र कितनी है आपकी, 34 वर्ष 10 महीने 25 दिन, आज के तारीख में आपकी उम्र इतनी होगी, यानी 1 जून 2020 को यदि आपकी जन्मतिथि 6 जुलाई 1985 है तो लगाने का ये सिस्टम है। ऐसे आप अपनी उम्र पता कर सकते हैं, बहुत आसान है ऐसे उम्र पता कर पाना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।